अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जियाउर रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लाहौरी व्यूज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लाहौरी व्यूज। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, इंस्टाग्राम फॉलो करें, हमारे फेसबुक को लाइक करें। और आज हम जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं वो है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश करेंसी कंपैरिजन 2020, जिसमें दोनों कंपनियों ने कंट्रीज की करेंसी को कंपेयर किया। हमारी करेंसी कौन सी है? बाबा कायद, पाकिस्तानी रुपीस। बाबा कायद नहीं है, बांग्लादेश की रुपीस, टका टका। Let's start the video. 3, 2, 1, start. अमर कामरान YouTube चैनल, मिस्टर कामरान। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम टू दिस करेंसी कंपैरिजन वीडियो। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी करेंसी को बांग्लादेश करेंसी के साथ। तो ये करेंसी डिज़ाइन कंपैरिजन है, करेंसी वैल्यू कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो है वो अप डाउन होती रहती है। तो पाकिस्तानी करेंसी सबसे पहले ऑफिशियली स्टार्ट हुई 1947 से और बांग्लादेशी करेंसी 1971 से स्टार्ट हुई थी। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेश बैंक इशू करता है। पाकिस्तानी करेंसी की शॉर्ट फॉर्म PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस है और बांग्लादेश की करेंसी की शॉर्ट फॉर्म BDT यानी बांग्लादेशी टका है। तो सबसे पहले क्वींस के बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो सबसे छोटा वैल्यू का क्वीन है वो है 1 रुपीस का और बांग्लादेश में 1 पैसा का सबसे छोटा क्वीन है। उसके बाद 10 पैसा, उसके बाद 25 पैसा और उसके बाद 50 पैसा। तो इसके बाद बांग्लादेश में 1 टका है और पाकिस्तान में 1 रुपीस है। उसके बाद बांग्लादेश में 2 टका और पाकिस्तान में 2 रुपीस। उसके बाद बांग्लादेश में 5 टका है और पाकिस्तान में 5 रुपीस का क्वीन है। तो बांग्लादेश में 5 टका के बाद कोई क्वीन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 10 रुपीस का क्वीन भी है और 20 रुपीस का क्वीन भी है। तो यही थे दोनों कंट्रीज के क्वीन। और अब जान लेते हैं नोट्स एंड बिल्स के बारे में। नोट्स, तो बांग्लादेश में सबसे जो छोटा नोट है वो है 1 टका, उसके बाद 2 टका, उसके बाद 5 टका और उसके बाद 10 टका। तो पाकिस्तानी करेंसी में सबसे छोटी वैल्यू का जो नोट है वो है 10 रुपीस का और उसके बाद पाकिस्तान में 20 रुपीस का नोट यूज़ किया जाता है, वहीं पर बांग्लादेश में 20 टका यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में उसके बाद 50 रुपीस का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में भी 50 टका यूज़ किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान में 100 रुपीस का नोट यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह का होता है और बांग्लादेश में 100 टका यूज़ किया जाता है जो कि कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद पाकिस्तान में 500 रुपीस का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में 500 टका का नोट यूज़ किया जाता है। तो 500 के बाद पाकिस्तान में 1000 रुपीस का नोट यूज़ किया जाता है और बांग्लादेश में 1000 टका यूज़ किया जाता है। तो बांग्लादेश में 1000 टका सबसे बड़ा करेंसी नोट है, जबकि पाकिस्तान में 5000 रुपीस का सबसे बड़ा करेंसी नोट है। तो ये थे दोनों कंट्रीज़ के नोट्स जिन्हें आपने देखा। तो अब जान लेते हैं दोनों कंट्रीज़ की इन्फ्लेशन के बारे में। पाकिस्तान की 2019 की जो इन्फ्लेशन रही है वो है 9.4% और बांग्लादेश की जो पिछले साल की इन्फ्लेशन रही है वो है 5.6%। तो इन्फ्लेशन का जो बेसिक मीनिंग है वो ये है कि किसी भी कंट्रीज़ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में जितने परसेंट कमी आती है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको अनऑफिशियली अफगानिस्तान में यूज़ किया जाता है, वहीं पर जो बांग्लादेश की करेंसी है उसको किसी भी कंट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता सिवाय बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश की जो करेंसी है वो 2020 के मुताबिक तो पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ये वीडियो 2021 या 22 में देख रहे हैं तो डिफरेंट हो सकती है। तो इस डेट के मुताबिक जो बांग्लादेश का 1 बांग्लादेशी टका है वो है 1.83 पाकिस्तानी रुपीस के बराबर
और 5% जो है वो है 9.1 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर, 10% जो है वो है 18.33 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर, और 25 जो है वो 45 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है। बांग्लादेश के 50 रुपए पाकिस्तान के 91 रुपए के बराबर हैं। बांग्लादेश के 100 पाकिस्तान के 183 रुपीज़ के बराबर हैं। 500 916 के बराबर है। बांग्लादेश के 1000 पाकिस्तान के 1833 के बराबर हैं। 5000 पाकिस्तान के 9166 के बराबर है। बांग्लादेश के 10,332 के बराबर है। बांग्लादेश के 50,000 पाकिस्तान के 91,500 के बराबर है। तो यही था एक करेंसी कंपैरिजन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपको मिलता हूँ इस तरह की एक और कंपैरिजन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय। बांग्लादेशी करेंसी ऊपर जा रही है, मगर जो टक्का है उसकी आखिरी जो है नोट है वो 1,000 रुपया पाकिस्तान के, 5,000 टक्का पाकिस्तान में स्टार्ट होता है तो पैसे ना होते तो पैसे होते, ये बड़ा फर्क है। पैसा स्टार्ट होता है पहले पाकिस्तान में भी पैसे होते थे, हाँ 50 पैसे, फिर 50 के बाद फिर जाके 1 रुपया था, और उनका सिक्का स्टार्ट होता है 1 टक्के से, और हमारा सिक्का स्टार्ट होता है 1 रुपये से, तो ये फ़र्क है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।